गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस आराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्था। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक वीक के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, एक सप्ताह के हम करंट अफेयर्स को आज क्लियर करेंगे और कल से हम रेगुलर डिस्कस करेंगे पर डे का करंट अफेयर्स, जैसा पहले किया करते थे। तो देखिए, हम आज बात करेंगे 7 से 13 अगस्त के करंट अफेयर्स। संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और 60 डेज चैलेंज पॉलिटी और राजस्थान कल्चर का चल रहा है, जो आप ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक मास्क एक जिंदगी अभियान की शुरुआत करेगा? तो देखिए दोस्तों, कौन सा राज्य है जो एक मास्क एक जिंदगी अभियान की शुरुआत कर रहा है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, वो उनका अभी निधन हो गया है। तो वहाँ पर अभी किसने कार्यभार संभाला हुआ है राज्यपाल का? आनंदीबेन पटेल ने। कैपिटल भोपाल है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की क्या हुई है बैठक, उसकी अध्यक्षता हमारे खेल मंत्री ने की है, और केंद्रीय खेल मंत्री कौन है दोस्तों? किरण रिजिजू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर किरण रिजिजू, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी हिमालय रेंज में स्थित है? तो दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर है जो काराकोरम रेंज में स्थित है, पूर्वी काराकोरम रेंज, पूर्वी ईस्टर्न वैली में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितने थीम्स आधारित सर्किट हैं? तो दोस्तों, स्वदेश योजना में अभी वर्तमान में कितने थीम सर्किट हैं? ये 15 हो जाएगा आपका यहां पर राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा नया स्थान पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए नक्शे में दर्शाया गया है? दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पूरा टाइप नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, अभी हाल ही में नया नक्शा जारी किया है, उसमें भारत के कौन कौन से क्षेत्रों को उन्होंने दिखा दिया है। तो पाकिस्तान ने जो नया नक्शा जारी किया है, उसमें ये 3 क्षेत्र दिखाए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सरक्रीक, जूनागढ़, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऐसे नेपाल ने भी भारत के 3 उत्तराखंड वाले क्षेत्रों को नक्शे में दिखाया है। तो ये आजकल थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़े से चाइना से जो भारत के प्रोटेक्ट चल रहा है, इस वजह से ये छोटे छोटे देश हैं, ये भी थोड़ा अपने आप को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पावरफुल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोरोना वायरस से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से निपटने के लिए बनाए गए RBI पैनल के अध्यक्ष होंगे? तो देखिए दोस्तों, RBI पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे आपको ये बताना है, जो कोरोना वायरस के कारण जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं उनको लेकर के। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा KV कामत। RBI ने पैनल बनाया है, RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके पहले जो गवर्नर बने थे वो अंग्रेज थे, सर ऑसबोर्न थे। पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? CD देशमुख। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए शॉप इंश्योरेंस की पेशकश के लिए भारतीय एक्सा के साथ भागीदारी की है? तो शॉप इंश्योरेंस के लिए क्या किया है दोस्तों, भारतीय एक्सा के साथ भागीदारी की है, तो ऐसा कौन सा पेमेंट बैंक है? तो देखिए ऑप्शन है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक यानी IPPB, ऑप्शन बी है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी है जूनो पेमेंट बैंक और ऑप्शन डी है फिनो पेमेंट बैंक। तो दोस्तों ये कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों कौन सा देश है जो 2021 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत है, ये आपको ध्यान रखना है। 2000 और नेक्स्ट वाले की जो 2021 के बाद में जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसकी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये अभी चर्चा में था इसलिए आपको ध्यान रखना है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में, कौन से में, केरल। बात करते हैं केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम जिसे त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। और केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल के अभी CM है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कौन से शहर में स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA ये नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी मछली पकड़ने की सुविधाओं का विस्तार के लिए $18 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो भारत ने $18 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार कौन से देश के साथ किया है मछली पकड़ने को लेकर? दोस्तों मालदीव के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, मालदीव के साथ ये किया है। बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल माले है, माले तो क्या है यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी मालदीव रुपया है और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो है मोहम्मद सालेह, ठीक है, मोहम्मद सालेह। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? तो दोस्तों परिवार पहचान पत्र लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, हरियाणा है, अभी हाल ही में उसने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे SEBI के अध्यक्ष के रूप में 18 महीने के लिए विस्तार मिला है? तो दोस्तों SEBI के पहले अध्यक्ष कौन थे, अजय त्यागी थे, तो उनको अब 18 माह का एक्सटेंशन दे दिया गया है, विस्तार दे दिया गया है, यानी 18 माह और रहेंगे वो अभी। तो देखिए ये हैं अजय त्यागी। SEBI की बात करते हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और भारतीय शेयर मार्केटिंग कंपनियों को ये क्या करती है, होल्ड करती है, उन पर पकड़ रखती है, नियंत्रण रखती है, रेगुलेशन रखती है। और इसके अभी अध्यक्ष अजय त्यागी बने ही रहेंगे अभी 18 माह। और बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो शेयर मार्केट हैं भारत में, इन पर ये नियंत्रण रखता है। SEBI की स्थापना 1988 में हुई थी लेकिन SEBI एक्ट यानी इसको कानूनी दर्जा या सांविधिक दर्जा, वैधानिक दर्जा कब मिला था दोस्तों, वैधानिक, संवैधानिक नहीं मिला, सांविधिक मिला था, ठीक है, तो ये 1992, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से
किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो EWS क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है इसमें। तो ये अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों 103वां, लास्ट अमेंडमेंट यही हुआ है, और ये कौन सा हुआ है? 103वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत की पहली किसान स्पेशल ट्रेन देवली एवं दूसरा कौन सा जगह है जहाँ पर ये चलाई जाएगी? तो देवली एवं दानापुर के मध्य चलाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए किसके साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समाप्त कर दी है? यानी दोस्तों स्पॉन्सरशिप क्या होती है? ये होती है जैसे मान लीजिए पहले बायजू के साथ क्या था इनका, वो क्या कहते हैं, BCCI का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसे स्पॉन्सरशिप कहते हैं। बायजू बहुत पैसे मतलब इनको देती, और बायजू का ये अपनी जो टी शर्ट वगैरह होती हैं जो प्लेयर होते हैं वो क्या उसका ऐड करते हैं, तो इसे स्पॉन्सरशिप कहते हैं। तो अभी स्पॉन्सरशिप IPL जो आगे होने वाला IPL थे उसमें किसके पास थी स्पॉन्सरशिप? ये थी वीवो के पास, लेकिन अभी चाइना वाला मैटर होने के कारण वीवो के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट BCCI ने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। अब देखते हैं कौन स्पॉन्सरशिप देता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए हाल ही में COVID-19 कारण श्यामल चक्रवर्ती का निधन हो गया, वह क्या थे? तो दोस्तों वो पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन यानी राजनेता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्यामल चक्रवर्ती। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोविड ऑपरेशन पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज पुस्तक के लेखक कौन है? यतीश यादव, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए रिसर्च विद एनालिसिस रॉ, ये भारत की एक वो है दोस्तों, क्या है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो क्या करती है, अपना हर चीज़ को लेकर के इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे कि भाई टेरर अटैक तो नहीं हो रहा है भारत पर, या कोई अधिकारी है जो मतलब अलग अलग तरीके से कोई टेररिस्ट से या दुश्मन देशों से कॉन्टैक्ट में तो नहीं है। तो ये है रिसर्च विद एनालिसिस रॉ। तो रॉ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है रॉ, इसका मैं आंसर यहाँ लिखना भूल गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक्सोप्लैनेट की बात करते हैं दोस्तों। तो एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए पहली बार खगोलविदों ने रेडियो तरंगों और एक वोबली तारे का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट TVLM 513B का पता लगाया है। तो दोस्तों किसका उपयोग करके? रेडियो तरंग और वो बल्ली तारे का उपयोग करके, और TVLM 513B एक्सोप्लैनेट की क्या की है, खोज की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में खगोलविदों ने रेडियो तरंगों एवं वो बली तारे के द्वारा कौन से एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो आपको ध्यान रखना है TVLM 513B, इतना याद रखना है यहाँ से। अब हम यहाँ पर कुछ बिंदुओं को देखते हैं इससे संबंधित। तो देखिए नया खोजा गया एक्सोप्लैनेट शनि के द्रव्यमान के बराबर है। यह एक्सोप्लैनेट एक बहुत छोटा लाल बौना
है और पृथ्वी से लगभग 35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो ये शनि के बराबर, तो जो शनि ग्रह है मतलब सौरमंडल का, उसके बराबर द्रव्यमान है और पृथ्वी से 35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस एक्सोप्लैनेट को TVLM 513 बी के रूप में जाना जाता है। इसकी कक्षा बुध ग्रह की कक्षा के समरूप है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए खगोलविदों द्वारा ये खोज 10 रेडियो टेलीस्कोप की वेरी लॉन्ग बेस लाइन एरे का उपयोग करके की गई है। कौन सा टेलीस्कोप है ये ध्यान रखना है, वेरी लॉन्ग बेस लाइन एरे, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है। इस एस्ट्रोमीट्रिक तकनीक का प्रयोग आमतौर पर तारों से दूरी की कक्षाओं में बृहस्पति जैसे ग्रहों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसे बोलते हैं एस्ट्रोमीट्रिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका उपयोग आमतौर पर ताराओं के बारे में, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रहों का पता लगाने में, इनमें किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो देखिए अब हम थोड़ा सा वो बले के बारे में देख लेते हैं। जब कोई बड़ा ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है तो तारे में उत्पन्न होने वाले वो बले ग्रह और तारे के बीच दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। वो बले की मात्रा ग्रह के आकार के समानुपाती होती है। तो दोस्तों वो बले क्या होता है, जब कोई भी बड़ा ग्रह है वो तारे की क्या करता है, परिक्रमा करता है, तो उस स्थिति में वो बले का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो दूरी बढ़ती है वैसे वैसे आकार भी बढ़ता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बासमती चावल के लिए GI टैग। तो देखिए दोस्तों GI टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग की मांग के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निजी दखल की मांग की है, ठीक है। तो अभी GI टैग को लेकर के जो बासमती चावल है उसके लिए क्या किया गया है, जो पंजाब के CM है, पंजाब के CM कौन है दोस्तों, पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने इसमें निजी दखल की मांग की है कि आप व्यक्तिगत यहाँ पर दखल दीजिए, ठीक है। तो देखिए एक बार इसको मुद्दे को एक बार थोड़ा समझते हैं। तो देखिए गौरतलब है कि मध्य प्रदेश ने बासमती की GI टैगिंग के लिए अपने 13 जिलों को शामिल करने की मांग की है। क्या कहा है मध्य प्रदेश ने कि भाई बासमती को GI टैग देने के संबंध में हमारे 13 जिले शामिल किए जाएं। आगे हम बात करते हैं, पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों को पहले से ही बासमती के लिए GI टैग मिला हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश ने यह कहा है कि GI बासमती को लेकर जो GI टैग है उसमें हमारे 13 जिले शामिल होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत प्रत्येक वर्ष 33,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल निर्यात करता है, किंतु बासमती के पंजीकरण में किसी भी तरह के बदलाव से बासमती की विशेषताएं, गुणवत्ता के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान को लाभ मिल सकता है और GI टैग टैगिंग के अनुसार बासमती का उत्पादन करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे आप ज़्यादा जिलों को GI टैग दे दोगे वहाँ पर बासमती चावल सही तरीके से भी नहीं बन रहे, मान लीजिए उत्पादित नहीं हो रहे मध्य प्रदेश में, और वहाँ 13 जिलों को क्या कर दिया गया GI टैग दे दिया, तो वो भी निर्यात करने लग जाएंगे। तो 33,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल का क्या होता है भारत में निर्यात। तो पंजाब ने ये कहा है कि भाई मध्य प्रदेश के जिलों को नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा इसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो GI टैग प्रावधानों को देख लेते हैं।
जीआई टैगिंग प्रावधान। तो देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का है और उस तब से ही जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैगिंग कृषि वस्तुओं के लिए जारी किया जा सकता है जो मूल रूप से किसी देश या क्षेत्र विशेष से संबंधित हो जहां ऐसी वस्तुओं की गुणवत्ता प्रतिष्ठा एवं अन्य विशेषताएं अनिवार्य रूप से इसके भौगोलिक मूल के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, जीआई टैग कृषि से संबंधित उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में क्या हो, उसकी बहुत ज़बरदस्त पहचान हो, उनको जीआई टैग दिया जाता है। सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था दोस्तों? दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए बासमती को जीआई टैग पारंपरिक रूप से उगाए गए क्षेत्रों के आधार पर दिया गया है क्योंकि ये विशेष सुगंध गुणवत्ता और स्वाद के कारण भिन्न है और ये भिन्नता गंगा के मैदानी भागों में होने वाली बासमती में पाई जाती है। तो देखिए अब उनका यही तो कहना है पंजाब का कि भाई मध्य प्रदेश के भी जिलों को शामिल कर लिया तो इनका जो बासमती चावल है उनमें ये सुगंधता नहीं होगी और दिक्कत आ सकती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अब है चावल की पोकली किस्म। बात करते हैं चावल की पोकली किस्म। तो देखिए चावल की पोकली किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है और इसकी पैदावार केरल के तटीय जिलों अलाप्पुझा अरनाकुलम एवं त्रिशूर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए चावल की क्या है, पोकली किस्म है जो खारे पानी के प्रतिरोध के रूप में जानी जाती है, यानी खारे पानी का ये क्या करती है, प्रतिरोध करती है। अब इसके हम कुछ बिंदु देख लेते हैं। तो देखिए 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात आने के कारण सुंदरवन क्षेत्र में धान के खेतों में समुद्री जल यानी खारा जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। खारा जल क्या हो गया है, अम्फान अभी चक्रवात आया था दोस्तों, जिसका नाम किसने दिया था, अम्फान, थाईलैंड ने। तो इसके कारण जो पश्चिम बंगाल के मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है, वहाँ पर खारा पानी भर गया है। तो देखिए इसको लेकर ही इस किस्म, ये किस्म है जो चर्चा में आई है। समुद्री जल भराव की समस्या के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के किसान केरल की पोकली किस्म की रोपाई कर रहे हैं क्योंकि ये खारे जल को क्या कर देती है, प्रतिरोधित कर देती है। ठीक है, तो आपको से पूछा जा सकता है चावल की पोकली किस्म कौन से राज्य की है, तो ये है केरल की। ये खारे जल को क्या कर देती है, प्रतिरोधित कर देती है। अब हम बात करते हैं आगे, किस्म दूसरी है वाइटिला 11। चावल की किस्में हैं दोस्तों, ये ऑप्शन में आ जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने पढ़ी भी नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रांसीसी कैला थंगल जो पोकली संरक्षण समिति का हिस्सा है ने केरल से 5 किलो पोकली की वाइटिला 11 किस्म का रोपाई के लिए पश्चिम बंगाल भेजा है। तो देखिए वाइटिला 11 पोकली की क्या है दोस्तों, एक ब्रांड है ना, एक किस्म है। आगे बात करते हैं। तो देखिए वाइटिला 11 किस्म को केरल कृषि विश्वविद्यालय के वाइटिला में स्थित फील्ड स्टेशन ने विकसित किया है। केरल में वाइटिला जगह है, वहाँ पर एक फील्ड स्टेशन है, उसने क्या किया है, इसको विकसित किया है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए अन्य चावल की किस्मों की तुलना में वाइटिला 11 किस्म की पैदावार लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर और इस फसल की अवधि लगभग 110 दिन है। लगभग 110 दिन में ये तैयार हो जाती है और 5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं मंदिर वास्तुकला की नागर शैली। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली, तो दोस्तों नागर शैली में जो मंदिर बने हुए हैं उनके वो शैली के मंदिर हैं जो ज़्यादातर कहाँ पर मिलते हैं, दक्षिण भारत में मिलते हैं। तो राम मंदिर को लेकर भी ये बात कही जा रही है कि नागर शैली में बनाया जाना चाहिए। तो देखिए हम बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में किया जाएगा जिसमें 5 गुंबद होंगे।
नागर शैली में ये मंदिर बनेगा, जिसमें कितने गुंबद होंगे दोस्तों? 5 गुंबद होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नागर शैली क्या है। तो देखिए, नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगरों के निर्माण में शैली के प्रयोग होने के कारण इसे मंदिर वास्तुकला की नागर शैली कहते हैं। जो नगर पहले इसी शैली में बसे गए थे और इसीलिए इसे नागर शैली कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। हिमालय से लेकर और विंध्य पर्वत है वहाँ तक के क्षेत्रों में ये क्या थी? प्रचलित थी प्राचीन काल में। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के मौजूदा शासकों द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिया गया था। 8वीं से 13वीं शताब्दी। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है, यानी समतल छत में होकर छत उठी हुई होती है गुंबद नुमा। तो ये नागर शैली की क्या है? विशेषता है। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछे जाएंगे दोस्तों, चर्चित मुद्दों से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। आपसे राम मंदिर के बारे में ये नहीं पूछा जाएगा, इतना जरूर पूछ लिया जाएगा भूमि पूजन कब हुआ, तो 5 अगस्त को। बाबरी मस्जिद कब गिरी थी? तो 6 दिसंबर 1992। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? मीर बाकी ने। बाबर नहीं बनवाई थी, मीर बाकी ने। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा राम मंदिर कहाँ बनाया गया है, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। सबको पता है, चर्चित मुद्दा है तो सबको पता है अयोध्या में ही बना है, लेकिन आपसे कौन सी शैली में बनाया गया ये पूछा जाएगा, तो नागर शैली में। ठीक है, नागर शैली में इसमें 5 गुंबद बनेंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो अच्छे से समझ लेना। तो देखिए, ये मंदिर ऊंचाई के 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। मूल आधार या गर्भ गृह, मशरक, नींव और मंदिरों के बीच का भाग, जंघा, दीवार, कपोत, कॉर्निस, शिखर, गल, गर्दन, वर्तुलाकार, आमलक और कुंभ, ये हैं दोस्तों। तो ये कितने 8 भागों में बांटे गए? एक तो मूल है यानी जो बेस है, दूसरा है गर्भगृह मशरक यानी नींव और दीवारों का बीच का भाग। नींव भरते हैं और दीवार, उनके बीच के भाग को क्या कहते हैं? गर्भगृह मशरक। और जंगा, जंगा किसे कहते हैं? दीवारों को। कपोत, कॉर्निस, शिखर, गल, ये गर्दन कहते हैं, वर्तुलाकार, आमलक और कुंभ, ये 8 भागों में ये बटा हुआ है। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए नागर शैली मंदिर का निर्माण आमतौर पर एक उत्कीर्ण मंच पर किया जाता है, जिसे जगती कहा जाता है। नागर शैली में जो मंदिर का निर्माण करते हैं वो एक उत्कीर्ण मंच पर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जगती कहते हैं। और मंडप गर्भगृह के ठीक सामने मौजूद होता है। ये शिखर सुशोभित होते हैं जो गर्भगृह के ठीक ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम, तो देखिए इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग का मंदिर है, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। दोस्तों इस शैली में बने हुए मंदिरों को गुजरात में तो क्या कहा जाता है? कलिंग। भाई कलिंग शैली में बने हुए हैं, गुजरात में लाट कहा जाता है और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो देखिए नागर शैली की कई उपशैली भी हैं, जैसे पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली और सोलंकी उपशैली। तो आपसे नागर शैली की उपशैलियाँ पूछी जाएँ तो पाल उपशैली है, आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली की उपशैली नहीं है, तो वहाँ आपके सामने दे दिया जाएगा पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली और एक मान लीजिए महामारू उपशैली ऐसे कहते हैं। तो महामारू उपशैली नहीं है, वो तो क्या है? गुजर प्रतिहार शैली है दोस्तों। ठीक है, और सोलंकी उपशैली भी आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आयरलैंड में, आयरलैंड का डेटा सेंटर। तो देखिए आयरलैंड में, आयरलैंड का डेटा सेंटर, तो देखिए लघु वीडियो साझाकरण ऐप टिकटॉक 500 मिलियन डॉलर की लागत से आयरलैंड में
अपना पहला यूरोपियन डेटा सेंटर शुरू करने की योजना बना रहा है। तो देखिए आयरलैंड क्या कर रहा है दोस्तों, 500 मिलियन डॉलर की सहायता से अपना क्या बनाने जा रहा है, यूरोपियन डेटा सेंटर शुरू करने की सोच रहा है। आगे बात करते हैं तो देखिए आयरलैंड में स्थापित किए जा रहे इस डेटा सेंटर में यूरोपीय उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पन्न किए जा रहे डेटा जैसे लघु रेडियो संदेश आदि को संग्रहित किया जाएगा। तो यूरोपियन जो यूनियन के अन्य देश हैं वहाँ के सभी के जो उपयोगकर्ताओं के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं डेटा जैसे लघु वीडियो है संदेश हैं मैसेज हैं इनको क्या किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा। तो डेटा सेंटर कौन से उसमें बन रहा है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों आयरलैंड। अब बात करते हैं मनोज सिन्हा के बारे में। तो देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब ये दूसरे बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं शशिधर जगदीशन। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने HDFC बैंक के नए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के तौर पर शशिधर जगदीशन की नियुक्ति की है। तो HDFC के नए MD एंड CEO, यानी MD क्या होता है मैनेजमेंट डायरेक्टर, और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये MD एंड CEO किसे बनाया गया है, शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक का। इसके बाद हम बात करते हैं कुलभूषण जाधव की। तो देखिए पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में 3 वरिष्ठ वकीलों को न्याय मित्र के रूप में नामित किया है। पाकिस्तान ने जो कुलभूषण जाधव है भारत के, वो पाकिस्तान में उन्होंने जासूसी के केस में उनको क्या जेल में डाल दिया है, जिसका केस हरीश सालवे जैसे भारत के वकील ने लड़ा था मात्र 1 रुपये लेकर के, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। उनको लेकर अभी 3 जजों का क्या बनाया है, न्याय मित्र के रूप में 3 जजों को नियुक्त करा है पाकिस्तान ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए SFTS वायरस के कारण चाइना में 7 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं हाल ही में टिक जनित वायरस यानी SFTS थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के आधार पर गंभीर बुखार, SFTS का फुल फॉर्म होता है सेवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म, सेवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम SFTS नामक बीमारी से चाइना में 7 लोगों की क्या हो गई है, मौत हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये वायरस है क्या, ये देख लेते हैं। तो देखिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ गंभीर बुखार वायरस बुनिया वायरस परिवार से संबंधित है और टिक के काटने से मनुष्यों में प्रेषित होता है। जो टिक होते हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह, उनके काटने से मनुष्यों में क्या हो जाता है, ये प्रसारित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मनाया जाता है 7 अगस्त को, क्योंकि हथकरघा जो हैंडलूम उद्योग है इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 7 अगस्त से मानी जाती है, इसलिए हथकरघा दिवस का मनाया जाता है 7 अगस्त को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत। बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी,
जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना। अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती की बात करते हैं तो देखिए 7 अगस्त को मनाई जाती है और 7 अगस्त 2020 को कौन सी मनाई गई है दोस्तों, 150वीं। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 7 अगस्त 2020 को अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मैंने आपको बता दिया था NGMA कहते हैं, नई दिल्ली में एक वर्चुअल टूर का आयोजन करेगा जिसका शीर्षक द ग्रेट मैस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जन्म कब हुआ था दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर का। 7 अगस्त 1871 को ब्रिटिश भारत के कोलकाता के जोरासांको में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अभी नाम कोलकाता है, उस समय कलकत्ता था। आगे हम बात करते हैं तो अवनींद्रनाथ टैगोर विशेष रूप से बच्चों के लिए एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पुस्तकों राजकाहिनी, ये याद रखनी है, अवनींद्रनाथ टैगोर आपसे पूछ लिया जाएगा राजकाहिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, बूढ़ो अंगला नलक, बूढ़ो अंगला नलक, छिरेर पुतुल का बच्चों के बंगाली भाषा साहित्य में प्रमुख स्थान है। बच्चों के बंगाली भाषा, ठीक है, तो ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। 5 दिसंबर 1951 को कलकत्ता में अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी। आगे हम बात करते हैं तो प्रदीप कुमार जोशी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष बनाए गए। तो आपसे पूछा जा सकता है UPSC के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में, तो प्रदीप कुमार जोशी। UPSC कौन से आर्टिकल में है दोस्तों, आर्टिकल 315, ये ध्यान रखना है हमारे संविधान में। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्ल ब्लड। तो देखिए हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा उपचार के अलावा कॉर्ड ब्लड का इस्तेमाल COVID-19 के रोगियों के लिए किया जाएगा, ये बात कही है। तो देखिए कॉर्ड ब्लड का COVID-19 के जो रोगी हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा प्लाज्मा के साथ साथ। नेक्स्ट बात करते हैं फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार। तो देखिए फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए 6 अगस्त 2020 को रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में घोषित फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को चुना है। तो दोस्तों क्या है विजन 2050 के लिए क्या चुना गया है दोस्तों, फूड सिस्टम पुरस्कार चुना गया है, दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें अपने भारत से क्या है नंदी फाउंडेशन हैदराबाद का है, उसे चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, तो देखिए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए 8 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे जो स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवेदात्मक अनुभव केंद्र है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की क्या कर किया गया है इनॉग्रेशन किया गया है 6 अगस्त को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, तो देखिए गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र राष्ट्र RSK की घोषणा पहली बार 10 अप्रैल 2017 को की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का क्या था दोस्तों, पहला सत्याग्रह था जो 1917 में कहां पर हुआ था बिहार में। तो गांधी जी का पहला
सत्याग्रह चंपारण बिहार ही है 1917, ये आपको ध्यान रखना है। ये सत्याग्रह तीन कठिया पद्धति से संबंधित था। तीन कठिया क्या होती है दोस्तों? उस समय क्या, जैसे एक बीघा जमीन है तो उसके तीसरे हिस्से में, जैसे 20 बिस्वा जमीन है, मैंने तो ये है 20 बिस्वा, उसमें से 3 बिस्वा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत के किसानों के लिए, चाहे किसानों को लाभ हो या हानि हो। ठीक है, तो वो तीन कटिया के लिए किया गया था चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण आने और कृषकों की समस्याओं की जाँच की थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, तो रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे ध्यान रखना है इसमें, एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जबकि एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। किस किस को जोड़ा जाएगा दोस्तों? चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई तो तमिलनाडु की राजधानी है और पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की। तो इनको जोड़ने के लिए गांधी जी ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया 10 अगस्त को। ठीक है, तो ये किस दिन हुआ था ये ध्यान नहीं रखना है आपको, ये ध्यान रखना है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल किन किन को जोड़ रहा है, तो ये चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को। आगे बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये एक सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी बहुत बेहतरीन लगी, जिसमें हमने 19 तो क्वेश्चन लिए थे, 19 क्वेश्चन और बाकी विस्तार से जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो हमने शामिल की है। हर दिन की 2 से 3 खबरें इम्पोर्टेंट होती हैं, तो 5-6 दिन का जो ये मैटर था इसमें 10 से 15 तो इम्पोर्टेंट खबरें हो गई और 19 क्वेश्चन हो गए। कल से रेगुलर आपको रेगुलर करंट अफेयर्स मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर्स आपका मेरे चैनल से, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान से, एक पॉइंट भी बाहर नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस में पिछले पेपर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पिछले पेपर में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे करंट पर आधारित थे। तो करंट का आपका, करंट के साथ साथ और जितने भी जीके क्वेश्चन आएंगे वो सारे करंट से लिंक आएंगे जिनके हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और आपके कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।